जब हम दक्षिण भारत के हिल स्टेशन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में मुन्नार का नाम सबसे पहले आता है और है भी इतना सुंदर। मेरा नाम नयन है और आज मैं आप मुन्नार ट्रिप का अनुभव शेयर करूंगा, जिससे आप अपने लिए एक अच्छा सा मुन्नार का ट्रिप प्लान कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुन्नार को घूमने के लिए आपको कम से कम 2 दिन चाहिए और यहाँ पहुँचने के लिए आपको कोची आना होगा, जहाँ से मुन्नार 125 किलोमीटर दूर है। कोची से मुन्नार आपको सुबह 3 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक हर एक घंटे में एक बस मिल जाएगी और कोची से मुन्नार पहुँचने में लगभग आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे। जहाँ तक मेरी बात है तो मैंने कोची से मुन्नार सुबह 3 बजे वाली बस ली, जिससे मेरा 1 दिन बच गया। अब बात रुकने की कर लेते हैं तो मुन्नार में आपको हर तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे, हॉस्टल से लेकर होटल, रिजॉर्ट और होम स्टे भी मिल जाएगा। मैं जो हॉस्टल में रुका था ये मुन्नार बस स्टैंड से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। अगर आपका बजट लो है तो आप KSRTC का बस स्टे भी ले सकते हैं सिर्फ 100 रुपये में। मुन्नार को एक्सप्लोर करने की बात करें तो मुन्नार के अट्रैक्शन 3 रूट में है। अब बात करते हैं कि मुन्नार को एक्सप्लोर कैसे करें। अगर आप ग्रुप में 3-4 लोग हैं तो आप टैक्सी भी बुक कर सकते हो, अगर 2-3 लोग हो तो आप ऑटो से भी कर सकते हो। टैक्सी का जो है लगभग 1500 से 2000 रुपये और ऑटो जो है वो 1000 से 1200 रुपये लेंगे। और अगर आप सोलो हो या 2 लोग भी हो तो सबसे अच्छा मुन्नार को एक्सप्लोर करने का तरीका ये KSRTC की साइट सीन वाली बस है, जिसका किराया सिर्फ 300 रुपये है और ये मुन्नार के सारे मेजर अट्रैक्शन को कवर करती है। ये बस तीनों रूट पे चलती है अलग अलग दिनों में, सारे मेजर अट्रैक्शन इससे कवर हो जाते हैं, जैसे मेटुपट्टी डैम, इको पॉइंट, टॉप स्टेशन, बोटानिकल गार्डन, एलिफेंट पार्क, चतुरंग पारा और भी कई सारे जो मेजर अट्रैक्शन है सारे कवर हो जाते हैं इस बस से। मुन्नार के आइटनरी की बात कर लेते हैं, मतलब टूर प्लान की, तो देखो Day 1 में आप दोपहर तक कोची से मुन्नार पहुंचोगे तो उस दिन आप लोकल मार्केट, बगल के टी गार्डन और चॉकलेट फैक्ट्री घूम सकते हो। बात Day 2 की कर लेते हैं। Day 2 में आप अगर 4-5 लोग हो तो टैक्सी बुक कर लो, नहीं तो अगर आप सोलो हो तो इस साइड सीन वाली बस से मुन्नार को एक्सप्लोर कर सकते हो। Day 3 में आप कोलकुमलाई जा सकते हो सनराइज देखने के लिए। वहाँ जाने के लिए आप 1 दिन पहले ही आपको जीप बुक करनी होगी, पर पर्सन लगभग 600 से 800 रुपये का खर्चा लगेगा और पूरी जीप 3000 रुपये में बुक हो जाएगी। इसे बुक करने के लिए मुन्नार मार्केट में आपको कई जीप वाले मिल जाएंगे, या नहीं तो सबसे आसान आप जहाँ कहीं भी होम स्टे होटल वगैरह में रुके हैं उसके स्टाफ को बोल दीजिए कि आपके लिए अरेंज कर दे, तो वो अरेंज कर देगा। जैसे कि मैं जो हॉस्टल में रुका था तो मैंने वहीं से ये टूर बुक कर लिया था। कोलकुमलाई सनराइज देखने के लिए आपको लगभग 3 बजे उठना होगा, मैं भी 3 बजे उठा। 3:30 तक हमारी जीप आ गई थी, हम लोग जीप में बैठ गए और निकल गए कोलकुमलाई सनराइज देखने के लिए और लगभग हमें 2.5 घंटे लगे। और ये रात में मुन्नार में जीप में बैठना अलग ही एक्सपीरियंस था। और आखिरी के जो 6 किलोमीटर थे वो बिल्कुल ही ऑफ रोडिंग थी, मतलब चाय के बगान में से बिना रोड के जीप गुजर रही थी और ऑफ रोडिंग में आपको लटके झटके जरूर लगेंगे। लगभग 6:45 के आसपास हम लोग सनराइज पॉइंट पे पहुंच चुके थे और उसके बाद का एक्सपीरियंस अलग ही था, मजा आ गया। और जब आप सनराइज देख लो तो सनराइज पॉइंट से ठीक 100 मीटर आगे आपको ये जगुआर पॉइंट दिखाई देगा, जो कि इंस्टाग्राम पर काफ़ी फेमस है। जब हम लोग यहाँ से वापस लौट रहे थे तो बिल्कुल ही उजाला हो चुका था, तब हमें लगा कि भाई हम लोग कितने खूबसूरत रास्ते से ऊपर आए। अब बात करते हैं कि खर्चा कितना आएगा मुन्नार को 2 दिन से 3 दिन घूमने में। देखो अगर आप हॉस्टल में स्टे करते हो तो 500 से 800 के बीच में पर डे लगेगा और खाने में लगभग 500 मान लो पर पर्सन, और साइट सीन पे मान लो 300 रुपये और भी मिसलिनियस खर्च से 200-250 रुपये। इसके अलावा मेरे कितने खर्चे हुए थे ये मैं शेयर कर दूंगा, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपका टूर कितने तक में बनेगा। और मुन्नार से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं आंसर देने की मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा। और वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करके बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।